मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिला के गांव सीमा के ग्रामवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए सीमा को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था नींव का पत्थर साबित होगी। इससे जहां पारदर्शिता आएगी, वहीं कार्य में प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा, साथ ही लागत भी कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास कार्य करवाने के लिए सरपंचों को पूरी तरह से सक्षम किया है। अब किसी कार्य की स्वीकृति के लिए चंडीगढ़ फाइल भेजने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली आदि को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इसी सोच के साथ वर्तमान सरकार ने पूरे प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी पर महिला कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगर मैं आपके माध्यम से और सीमा के लोगों को मैं संदेश देता हूं कि यहां सब तहसील जो है बना दी गई। अगर मैं आपके माध्यम से और सीमा के लोगों को मैं संदेश देता हूं कि यहां सब तहसील जो है बना दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के गांव सीमा के ग्रामवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि सीमा को उप तहसील का दर्जा देने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था नींव का पत्थर साबित होगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठाए हैं, फिर चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली आदि को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इसी सोच के साथ वर्तमान सरकार ने पूरे प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी पर महिला कॉलेज स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीमा को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था नींव का पत्थर साबित होगी। जहां पारदर्शिता आएगी, वहीं कार्य में प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।